ओम शांति। 3/6/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी या फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूं, तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़, तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है। दुर्गति से सदगति होने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई नहीं मिल सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं? सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू,
नाम ही कितना मीठा है। हेवन बहिष्ट देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो करजन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे अब वह पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सुपूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूल को स्वीकार करें, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे हैं।
तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्तनशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं, अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्तनशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रसम रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, यह सब भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी तो वह कहेंगे, जरूर कहेंगे, हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होता। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का टीचर फादर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मुंह पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छा धो भी हूँ, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है आत्मा को कहते हैं, तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहला, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यह फूलहार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतोप्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतोप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि